हरे हरे चूड़ियां। तुम्हारी लड़ाई हुई है काशान से? बस यही समझ। हेमन मर्द इतना उत्कर्ष क्यों होता? उसे सिर्फ अपनी साथ की परवाह क्यों होती? उसे ये समझ क्यों नहीं आता कि उसकी जिंदगी से जुड़ी उसकी पी वो भी वही दिल रखती जो उसके पास है। उसे सिर्फ अपने घर की परवाह होती है। वो ये क्यों नहीं समझता कि उसका घर भी तो उसकी बीवी का घर। तुम कब से यहां पर हो? तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तुम्हें बताती तुम्हें हमारे बीच तो बताने का रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुम्हारा रिश्ता वकार के साथ जुड़ा था। शांत में नहीं आया। हाँ जी आई सुबह चली गई। कि तुम्हें मुझे बता क्या मुझे उनके साथ जाना चाहिए? तुमसे मोहब्बत करता है वो। मर्द की मोहब्बत सिर्फ शादी तक हुई थी। शादी के बाद औरत उसकी जरूरत है। और अगर काशन मुझसे मोहब्बत करता तो क्या इतने दिनों में मुझे एक भी फोन न करते? जाती हूँ कि वो तुम्हें फोन करे। अगर उन्हें मेरी बात समझ आती मुझसे वो फोन करती। अगर वो तो यही समझते कि मैं ही कुछ हुआ हूँ। शुरुआत मतलब उनको लगता कि मैं उनकी खिड़की बात यहाँ आकर करती। हेमंत तुम्हें मुझे बता क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? ये छोटी सी बात तो उसे तुम्हें घर से निकाल दिया। उन्होंने घर से नहीं निकाला, मैं खुद घर छोड़ कर आई। घर छोड़ो मैं तुमसे क्या बात करूँ? वो खुद इतनी परेशान मैंने उनसे अपने दुख की बात। साहब शुजात से बात हुई है तुम्हारी? नहीं अम्मा, कहाँ हुई बात भाईजान से? भाईजान तो सारे मामला से ला ताल्लुक होके बैठ गए हैं कब से। फिर भी बताना जरूरी है। मैं तो हैरान हूँ कि ये सारा मामला क्या होता रहा। अली इतने अरसे से नथिया गली में उनके पीछे पड़ा रहा और हमें खबर तक नहीं। अम्मा हेमन ने अली के बहकावे में आके नहीं बताया होगा, लेकिन वकार को तो बताना चाहिए था ना। वकार भी उसे समझाता होगा, कोशिश करता होगा कि एमन बहकावे में न आए अली के, लेकिन उस बजात ने दुश्मनी लेने की ठानी थी वो कैसे बख्शता, कैसे बर्बाद किए बगैर जान छोड़ता उनकी। अगर अली वहां ना होता ना तो हमारी एमन सिसक सिसक के जान दे देती अपनी। इससे बहुत बेहतर होता सुरैया कि वो मर जाती। हद होती है, अपनी बहन के बेटे को मसीहा समझ रही जिसकी वजह से एमन आज यहाँ पर है। अम्मा कभी एमन को अपने पास बिठा के प्यार से पूछें तो सही, कितना जुल्म हुआ है उसके साथ। वकार ने क्या क्या जुल्म नहीं तोड़ा उसमें। एमन ने खुद को काबू में रखा होता तो वकार कभी ऐसा नहीं करता। मेरी बड़ी तफसील से बात हुई है वकार से, वो बेचारा तो बात भी नहीं कर पा रहा था। वाह अम्मा, जिसने कभी आपको फोन करके सलाम तक नहीं पूछा आज वो आपको तफसीलात बता रहा है ताकि अपने आप को सच्चा साबित कर सके ना आपके सामने। सुरैया तुम ज्यादा एमन की तरफदारी में बात मत करो, समझ आई तुम्हें? फसाहत क्यों बात ना करूं? हमारी बच्ची क्या सड़क पे रात गुजारती? अली ने इज्जत और हिफाजत से उसे अपने घर पहुंचाया, क्या बुरा किया? फसाहत तुम्हारी बीवी शुक्राने अदा कर रही है या हमारा सांस लेना मुश्किल हो रहा है? सुरैया मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इन हालात में भी तुम एमन का साथ दे रही हो। आ जाए वकार, वो जब सब कुछ बताएगा ना फिर देखोगी कहां जाती है तुम्हारी ममता। अम्मा आ ही जाए वकार अब तो अच्छा है, मैं तो मुंतजर हूँ उसकी। गिरेबान पकड़ के पूछूंगी उससे, मेरी बच्ची को लावारिस समझा हुआ था क्या?
जो जानवरों जैसा सुलूक किया। अम्मा माँ है ना, बेटी की मोहब्बत में भूल गई है कि सही क्या है और गलत क्या है। कम से कम अपनी बहन के बेटे को मसीहा तो न समझे। उस बदजात ने जो दुश्मनी निभाई है ना, वो तो गोली खाने के काबिल है। मेरे सामने आया तो मैं खड़ी खड़ी गोली मार दूं उसको। हाय हाय, अब बेचारे मेरे वकार का क्या होगा, उसका तो घर ही उजड़ गया। बदजात ने कैसी दुश्मनी निभाई मेरे बच्चे के साथ, क्या करूं। कितने चाव से मैंने शादी करवाई। ये ले। बस भैया, अब मुझे नहीं खाना। और आपने खाया ही कब है? अम्मी, बहुत दुख होता है मुझे जब मैं ये सोचती हूँ कि एमन ने हर बात इतनी खामोशी से बर्दाश्त की, उसके बावजूद उसके घर वाले उसे कसूरवार समझ रहे हैं। देखो बेटा, बेटियों का मामला बहुत नाजुक होता है। बेटियां अगर कदम फूंक फूंक कर ना रखें तो माँ बाप के सर झुक जाते हैं। इससे ज्यादा एमन क्या कदम फूंक फूंक कर रखती है अम्मी? उसने आज तक वकार भाई की हर बात मानी। गुड्डी, मैं तुम्हें पहले ही समझाती हूँ कि उनके मामलात में ज्यादा मदाखलत नहीं किया करो। अगर उनके दिल में मैल आ गया तो क्या होगा? अम्मी, हमेशा से एमन और माहीन दोनों सिर्फ मेरी सहेलियां ही नहीं थी बल्कि मेरी बहनों की तरह थी, मेरी छोटी बहनें। उन्हें कोई तकलीफ पहुंचेगी तो मेरा दिल नहीं तड़पेगा क्या? तुम्हारे तड़पने से कुछ भी नहीं होगा, बस तुम दुआ करो कि अल्लाह उनके हक में बेहतरी करे। आमीन, अल्लाह करे ऐसे ही। से अम्मी, एक बात बताऊं आप? बताओ। इतना कुछ हो गया उसके बावजूद भी एमन के मुंह से कभी भी वकार भाई के लिए कोई गलत बात नहीं निकलती, चाहे उसके दिल में उनके लिए कितनी भी नफरत हो, लेकिन वो एक लफ्ज उनके खिलाफ नहीं बोलती। बेटा, बेशक एमन और वकार के दरमियान कितनी ही तल्खी हो, कितनी ही मुखालफत हो, मगर निकाह का बंधन उन्हें जुदा नहीं कर पाता। लेकिन अम्मी, एमन अब वकार के साथ कहीं नहीं जाएगी। इसका फैसला तुम्हें या मुझे नहीं करना, इसका फैसला उन दोनों को करना है। और एमन तो तब जाएगी ना जब वकार उसको लेने की ख्वाहिश से आएंगे। अच्छा चलो, अब ये सब बढ़ाओ और सो जाओ, नींद आ रही है। जी। अम्मी। हाँ बेटा। मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। ये माहीन और काशान का क्या मसला हुआ है? तुमने पूछा नहीं माहीन से? पूछा है मैंने उससे, लेकिन वो जो बता रही है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ। समझ तो हमें भी नहीं कुछ आ रहा। उधर काशान अपनी जिद में इसे लेने नहीं आ रहा और ये अपनी जिद में नहीं जाना चाह रहे। आपने बात की काशान से? गए थे तुम्हारे बूस के दफ्तर। बल्कि वो तो माहीन को उसके ससुराल ले जाने की बात कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी दादी ने ऐसा नहीं होने दिया। और सलीमा आंटी, वो आई थी? आई थी। उन्होंने कहा कि ये खुद घर छोड़ के आई है, कोई बात भी नहीं हुई। लेकिन माहीन तो मुझे कह रही है कि उन्होंने इल्जाम लगाया था उस पर कि वो वहाँ की सारी बातें यहाँ बताती है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने तुम्हारी दादी को उनकी कोई बात बताई, उन्होंने फोन करके सलीमा आंटी को सुना दी, बस यही हुआ। इसका मतलब है कि वो खुद आई है यहाँ पर? खुद आई है, और काशान ने इस बात को और माइंड किया कि उसकी माँ उसे लेने आई और वो उसके साथ नहीं गई। बहुत गलत किया है माहीन ने। तुम समझाओ ना उसे। उसे समझाओ कि इतनी छोटी छोटी सी बातों पे घर छोड़ के थोड़ी आ जाए करते हैं। जी, आप फिक्र न करें, मैं बात करूंगी उससे। ठीक है बेटा। वो देखो, किचन में चावल चढ़ा के आई हूँ।
जी अस्सलाम वालेकुम गुड़ी बाजी, मैं अली बात कर रहा हूँ, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ गुड़ी बाजी, मुझे क्या होना है ये बताएं कि ऐमन कैसी है? वो भी ठीक है, बस अपनी बेगुनाही की जंग लड़ रही। आप प्लीज ख्याल रखिएगा उसका, वहाँ तो उसकी बात का कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन आप तो सब तो जानते हैं। तुम बेफिक्र रहो अली, ऐमन सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, मेरी बहन भी है। अगर सबने भी उसे तन्हा छोड़ दिया तो मेरा तुमसे ये वादा है कि मैं कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। और प्लीज मुझे बताइएगा, अगर मैं आपको लगे कि किसी भी मामले में हेल्प कर सकता हूँ तो प्लीज जरूर बताइएगा मुझे। जरूर बताऊंगी अली, ऐमन को तुमसे बढ़कर तो कोई हौसला नहीं दे सकता। बुढ़ी बाजी, इज इट पॉसिबल कि आप जब भी वहां जाएं तो एक दफा मेरी बात करवा दें ऐमन से? हाँ अली, मैं तुम्हारी बात करा दूंगी, बल्कि मैं ऐमन से कहूंगी कि वो फोन अपने पास ही रखे ताकि जब तुम्हारा दिल करे तुम उससे बात कर सको। थैंक यू सो मच बुढ़ी बाजी, मैं वेट करूंगा आपके फोन का। चलें, रखता हूँ, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज अली, अपना ख्याल रखना। वो तुम्हें क्यों फोन करता है? तो और किससे फोन करे? ऐमन की खैरियत पूछनी थी इसकी कॉल कर दी। उसे मना कर दो कि तुम्हें फोन ना किया करे। तुम्हें तो पता है कि इस लड़के की वजह से पहले ही कितने तूफान उठ चुके हैं। क्या हुआ माहीन? कुछ नहीं। क्या हुआ? दादी ने ऑर्डर दिया, वकार साहब आ रहे हैं, उनकी पसंद की डिशेस बनानी चाहिए। क्या हो गया सबको? तुम फिक्र मत करो, बना लूं। ऐमन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है? जिस शख्स ने तुम्हारी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी, तुम्हारी जिंदगी अजाब बना दी, तुम उसके मनपसंद खाने बनाओगी? मेरा बस चले ना तो उस बकार को इस घर में कदम भी ना रखने दूं। पागल हो गई हो क्या? ये क्या बकार बकार लगा के रखा हुआ है? बड़े हैं तुमसे वो, ठीक है बहनों, ये तुम्हारी इज्जत करो उनकी। नफरत करती हूँ मैं उस शख्स से, जिस शख्स ने तुम्हारी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी है ना, उसे तुम कैसे सोच सकती कि मैं मोहब्बत करूंगी या एहतराम करूंगी उसका? लेकिन मैं नहीं करती। मैं जानती हूँ उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अगर आज भी वो मेरी सच्चाई तस्लीम कर लेंगे ना तो मुझे माफ कर दूंगी। इतना बड़ा दिल तुम्हारा है, मेरे पास नहीं। जानती हूँ मैं, इसलिए तो काशान नाराज है तुमसे। बहन हूँ तुम्हारी, तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहूंगी। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, कभी भी ये नहीं चाहा कि मेरा घर टूट जाए। तुमसे आंटी और काशान की इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं हुई, ये छोटी सी बात नहीं है। उस घर में मुझे मेरा वजूद बहुत अजनबी लगता है। मेरी जान, ये अजनबियत सिर्फ उनकी तरफ से खत्म नहीं होगी, तुम्हें भी अपनी अना की कुर्बानी देनी होगी।
अन्ना, तुमने अपनी अन्ना की कुर्बानी दी है तो तुम ही मुझे बताओ क्या हासिल हुआ। मुझे ये दुख नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, यही तो समझ नहीं आता मुझे। हर कुर्बानी औरत क्यों दे? क्योंकि वो मोहब्बत करती है, और औरत जिससे मोहब्बत करती है ना उसकी सारी गलतियां माफ कर देती है। हो सके तो काशान को माफ कर देना। मामा, माहीन के डैड अगर वाकई आ गए तो आ जाए, मैं कौन सा उन्हें रोक सकती हूँ? रोक सकती बस हिम्मत करने की बात है जो आप कर नहीं रही। सोच लें, अगर आपने इस बार ना रोका ना तो माहीन हमेशा के लिए इस घर में वापस आ जाएगी। नहीं नौश, मैं चाहती हूँ अगर ऐसा कुछ हो भी तो वो काशान की तरफ से, उसे ऐसा ना लगे कि उसकी माँ ने उसका घर बचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन मामा, जितना वक्त गुजरता जाएगा काशान का दिल माहीन के लिए उतना ही मोम होता जाएगा। अंदाजा है मुझे इस बात का, और अगर उसका दिल वाकई मोम हो गया ना तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। वैसे एक बात बताऊं, अगर माहीन उस दिन मेरे साथ घर, भूल है आपकी, वो उन लड़कियों में से नहीं है जो एहसान मानेगी। खैर मैं बात करती हूँ काशान से। है कहाँ ये? कमरे में अपने आशितों से बहुत मिस कर रहा है। मैं बात करती हूँ। काशान, रिया, काशान क्या कर रहे हो? बस कर दो ये सोप करना। तुम्हें पता है मैं इतनी देर से बाहर आके मम्मा के पास बैठी हुई हूँ और तुमों के कमरे में खुद को बंद किए बैठे हो, ये क्या तरीका है? मुझे पता नहीं था कि आप आई हो। अच्छा चलो, माना तुम्हें ये पता नहीं था कि मैं आई हूं, लेकिन ये तो पता था ना कि इस घर में एक माँ है जिसे तुम्हारी जरूरत है। तुम इस तरह उन्हें परेशान करोगे तो वो कैसे खुश रहेंगी? वो इतनी परेशान है तुम्हें लेकर। सॉरी। पता है मम्मा क्या कह रही थी? कह रही थी मेरा बेटा बहुत परेशान है, मैं फिर से जाऊंगी माहीन की तरफ, मिन्नत समाजत करके उसे वापस लेकर आऊंगी। अब मैं उन्हें नहीं जाने दूँगा। हाँ, मैंने भी उन्हें मना किया, मैंने कहा अब नहीं जाइएगा आप। देखो जब उस लड़की को हमारी और इस घर की इज्जत का ख्याल नहीं है तो हमारा क्या बनता है कि बस हम हर वक्त उसके घर की तरफ जाते रहे? नहीं, अच्छा नहीं लगता। काशान, मुझे तो इतनी हैरत हो रही है कि माहीन को देखो उसे जरा एहसास नहीं है। नहीं, तुम्हें क्या हो गया था जो तुमने उसे पसंद किया? मुझे तो बाद में पसंद आई थी, पहले तो मामा ने पसंद किया था। जो भी है काशान, तुम मामा को इस बात का एहसास प्लीज मत होने दो कि तुम तन्हा हो। तुम्हारा परेशान चेहरा मामा को बहुत तकलीफ देता है। कि मैंने कभी उनके सामने जाहिर नहीं होने दिया कि मैं परेशान। हाँ, लेकिन वो माँ है और अपनी औलाद के दिल का हाल समझती है। उन्हें पता है कि तुम परेशान। देखो काशान, जिस लड़की को तुम्हारा एहसास नहीं है उसके लिए अपनी जिंदगी मत खराब करो। बस अब इस किस्से को ना खत्म करो।
क्या मतलब? मतलब ये कि तुम बच्चे नहीं हो जिसे मेरी बात समझ ना आए। सोचना इस बारे में। एमन कहाँ है? जिसने उसे जख्म दिए उसके लिए खाना बना रहा। अपनी बेटी को समझा देना, वकार के सामने अपनी जबान को काबू में रखे। आप भी वकार को बता दीजिए, अगर उसने कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं चुप नहीं रहूंगी। बीबी, उसे दुख दिए तुम्हारी बेटी, वो तो बोलेगा ही। वही दुख तो बताने आ रहा है जो आज तक सीने में दबाए बैठे। वकालतें करवा लो। कोई काम है ना? दे कुछ मांगूंगी तो दोगी? मैं अभी वही है नहीं दादी, जो आपके हुक्म को अपनी खुशकिस्मती समझती थी। बस तो फिर कान खोलकर मेरी बात सुन। वो बेटियां बड़ी बदनसीब होती हैं जो अपने माँ बाप के लिए दुख इकट्ठे करती। अब तक जो हुआ उसे भूल जा और वकार के सामने पिछली बातें लेकर मत बैठ जा। उसे मैं समझाऊंगी, अब तक जो तुमसे गलतियां हुई उन्हें नजरअंदाज कर दे और उसे यकीन दिलाऊंगी कि तुम दोबारा अली से कोई रابطہ नहीं रखोगी। मेरा अली से पहले भी कोई रابطہ नहीं था, आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रही? बस कर दो एमन, लकीर पीटती रहोगी तो ये मौका भी गंवा दोगी। मर्द को बड़ी हिम्मत चाहिए ऐसी औरत को दोबारा अपनाते हुए जो किसी और मर्द के साथ। खुदा के लिए आप लोग चुप हो जाएं। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अरे मेरा बच्चा वकार, कैसा है तू? ठीक तो है ना? मेरी तो आंखें तरस गई थी तुझे देखने को। मेरा जान, मेरा लाल, कितने अच्छे बाद आया है तू। अरे फसासी ना मिलेगा तू? अब इस बात का फैसला तो अंकल ने करना है कि वो मुझसे मिलना भी चाहते हैं। हो सकता है अपनी बेटी की बातों में आकर ये भी मुझे कसूरवार ठहराए। वकार को गले लगा लिया, बात तक नहीं।
बेटी इतनी बेतबार होती है मम्मी। मैं तुम्हारा दुख बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन बेटा अबू की भी तो मजबूरी समझो ना, बहुत मजबूर है। मुझे ये दुख नहीं है कि अबू ने मकार को गले लगाया, मुझे ये दुख है मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, मेरे बाप ने मेरे सर पे हाथ तक नहीं रखा। सब ठीक हो जाएगा बेटा। अंकल कहाँ है? यही है, अभी आ जाएगा। आप लोगों ने इंसिस्ट किया तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, वरना मैंने तो अहद कर रखा था कि मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा दोबारा। अरे क्यों ना आते, ये घर तुम्हारा है मेरी जान, हम सब तुम्हारे हैं। मियाँ बीवी में छोटे मोटे इख्तलाफात तो होते रहते हैं। छोटे मोटे इख्तलाफात नहीं है, मैं एमन की हरकतें शादी के बाद से बर्दाश्त कर रहा हूँ, अब मेरी भी बस हो गई। हाँ बेटा हम तुमसे शर्मिंदा हैं। नहीं, मैं आप सबको शर्मिंदा देखना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, गलती मेरी ही। कैसी गलती? अगर मैं शादी के दिन अली के सामने हार मान जाता तो आज हम सबको ये हालात फेस ना करना। अरे बेटा अली का और तुम्हारा क्या मुकाबला, अली एमन के काबिल नहीं। अगर तुम एमन से शादी न भी करते ना तो मैं अली के साथ एमन की शादी नहीं करती। इसी बात का तो गुस्सा है एमन को, इसी बात पे तो वो मुझे लमा बलामा टॉर्चर करती रहती है। किसने किसको टॉर्चर किया बेटा ये तो अल्लाह ही जानता है, अल्लाह गवाह है हर चीज का। और तुम अपनी बातों से, अच्छे अच्छे लफ्जों से इनको कायल कर सकते हो, अल्लाह को कैसे धोखा दोगे? सुरैया जिस घर का बेटा है अपनी आवाज धीमी रखो। अम्मा मुझे इसकी हैसियत से इनकार नहीं, लेकिन इस घर की बेटी पे जुल्म हुआ है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप एमन की माँ हैं, आप उसे ही डिफेंड करेंगे। काश मेरी माँ आज जिंदा होती तो आज मेरे साथ खड़ी भी होती, और मेरे बाप ने अगर मुझे तनहा ना रहने दिया होता तो आप सबके सवालों के जवाब आज वो दे रहा होगा। बेटा ऐसा क्यों सोचते, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, बढ़िया कहाँ लगवाओ तुम? बेटा कहाँ गए थे? अम्मा वो भाईजान को फोन करने गया था मैं। अंकल मेरा उनसे कोई रابطہ नहीं, और उनको मेरे और एमन के बारे में कुछ नहीं पता है, ना ही मैं उनको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। बेटा तुम्हारी इस मामले को सुलझाने के लिए मैं बैठी हुई हूँ ना, उसको तो इसलिए फोन किया था कि उसे बताएं कि तुम हमारे पास आए हो। दादू अगर वो यहाँ पे आए तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो कर्मी वो नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं बहुत मसरूफ है। मसरूफ? चलो चलो खाना खाते हैं, मैं कह रहा था चलो अम्मा खाना खाए। अम्मा खाना खा लो। बेचारा ऐसे ही चला गया खाए बगैर। खा लेगा खा लेगा, मैं स्कूल आ रहा हूँ, आ जाओ अम्मा आ जाओ। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, कभी भी ये नहीं चाहा कि मेरा घर टूट जाए। तुम से आंटी और आशान की इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं हुई। ये अजनबियत सिर्फ उनकी तरफ से खत्म नहीं होगी, तुम्हें भी अपनी अना की कुर्बानी देनी होगी। यही तो समझ नहीं आता मुझे, हर कुर्बानी औरत क्यों दे? कि वो मोहब्बत करती है, और औरत जिससे मोहब्बत करती है ना
उसकी सारी गलतियां माफ कर देती हूँ। हो सके तो काशान को माफ कर देना। मुझे नहीं लगता कि ये समझाने से भी समझेगी, लेकिन समझाइएगा जरूर, और अगर ये समझ जाए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं ड्राइवर भेज दूंगा। आ जाओ बेटा। वकार मियां बैठो बेटा, मैं जरा हाथ धो के आ जाऊं। ठीक है। कैसी हो एमन? ठीक हूँ। मेरा हाथ छोड़ दे मकान, मुझे दर्द हो रहा है। बहुत प्यारी लग रही है। अबू खाना लग गया, आ जाए। आ गया बेटा, आ गया। जब भी मांगो बुला लेना। ये लो चलिए। माहिन कहाँ है? उसके सामने दर्द हो रहा था, अंदर है। अच्छा आ जाओ बेटा, खाना लग गया। अम्मा 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 आ जाए, खाना लग गया। अच्छा अच्छा खाना खा लो बेटा, ये लो। थैंक यू अम्मा। आप लेना अंकल। नहीं नहीं वही आप लो ना। आप बेटा लो ना। अरे कबाब के लिए काम था, अभी ले। तकल्लुफ मत। ये खास है। हेलो, आपको मेरी फिक्र है? तुमको भी तो फिक्र नहीं थी, जब ही तो इतने दिनों बाद कॉल किया। तो आप कर लेते? मैं तो नाराज था। नाराज तो मैं भी थी काश, मगर मैंने तो कर लिया। तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ के गई, नाराज तो मुझे होना चाहिए ना। मैं ऐसे नहीं छोड़ के गई थी। खैर आंटी को बोले कि ड्राइवर भेज। वो आंटी ने कहा था कि जब वापस आना तो मुझे बता देना, मैं ड्राइवर भेज दूँ। ओके बता। काशान मैं सोच रही हूँ कुछ और प्लान्स ऐड कर देते हैं, आजकल तो बहुत कलरफुल प्लान्स हैं और वॉल बहुत एम्प्टी लगती है ना। और तुम क्या कहते हो, वो वॉल पे मैं कोई बेल लगवा दूँ? हद ही खाली लगता है। लगवा दे। क्या बात है, कुछ कहना चाह रहे हो? ओ मामा आपने कहा था कि माहीन अगर कभी वापस आना चाहे तो आप ड्राइवर भेज देंगे। हाँ कहा था, क्यों? अभी ड्राइवर भेज सकते हैं, आना चाहते हैं। नाइस, तो बहुत अच्छी बात है, मैं भेज देती हूँ। खाना क्यों नहीं खाया सही से? अम्मी खाना मैं अपने घर जाके खाऊंगी, काशा मुझे लेने आ रहे हैं। पक्की? जी अम्मी, मैं सोच रही हूँ कि मैं काशान को फोन करके कह दूँ कि मुझे बाहर से पिक कर ले। मैं नहीं चाहती कि काशान वकार भाई सुने।
अच्छा आप चाहें ना आप जाकर अब्बू से तो जा सकते हैं। हाँ वो तो मैं ये पीछे तरीके से रही तो कौन कैसे तो मंदिर आगे बैठ गई। लो अब्बू आ गए खुद ही इजाजत ले लो एक मिनट। किस चीज की इजाजत क्या कह रही है? अब्बू मैं अपने घर जाना चाहती हूँ काशा मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। बेटा जीती रहो खुश रहो बहुत खुश हो गया हूँ। बेटियां जब माँ बाप के घर आती है ना बेटा तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दी। जीते रहो मेरी एक और बात मान ले जैसे आपने मेरे सर पे हाथ रखा है ना ऐसे ही एमन के सर पे भी हाथ रखते हैं। हरी